और एक और अजीम नाम जो शारिक कैफी साहिब का है, जो हमारे दरमियान बरेली से तशरीफ लाए हैं, मैं शारिक कैफी साहिब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और उनकी मर्दुम खैर। सूबे उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली से ताल्लुक रखने वाले इस सादा मिजाज और दुर्वेश सिफत शायर की पैदाइश सन 1961 की है। शायरी उन्हें विरसे में मिली कि उस्ताद शायरों में शुमार किए जाते थे। पेशा तो कीमिया गरी का था, मगर कैफ व सुरूर की सरमस्तियों ने उन्हें एहसासात की लेबोरेटरी में लाकर खड़ा कर दिया। सो नौकरी को खैर बात कहा और पूरा वक्त शायरी को दे डाला। नर्म लहजा, बयान की शिद्दत, जज्बों की सच्चाई और पुरकारी, तीखी नज़र और वसी मताला, शारिक की शायरी का वो अनोखा पहलू है जो भीड़ में भी उनकी एक अलग शनाख्त बनाता है। उनकी शायरी आम फहम होते हुए भी आम डगर से बिल्कुल हट कर है। इसमें ज़िंदगी की उन सच्चाइयों और दुखती रगों का बोलबाला है जिन्हें हम हुस्न परस्ती और इश्कबाजी के नाम पर हाशियों पर छोड़ आए हैं। तीखापन और तंज उनके वो हथियार हैं जिससे वो समाजी शऊर की नाहमवारियों पर वार करते हैं, जैसे कोई माहिर सर्जन जख्म को चीर कर मरीज का इलाज करे और उसे आराम देता है। एक मतलब चंद शेर समाप्त फरमाए। समझ लो खूब, ये फतवा अभी जारी नहीं है। समझ लो खूब, ये फतवा अभी जारी नहीं है। जुदा होना जुदा होने की तैयारी नहीं है। समझ लो खूब, ये फतवा अभी जारी नहीं है। जुदा होना जुदा होने की तैयारी नहीं है। बुरी है इसलिए भी शहर की सेहत हमारे, बुरी है इसलिए भी शहर की सेहत हमारे। किसी को इश्क जैसी कोई बीमारी नहीं है। बुरी है इसलिए भी शहर की सेहत हमारे, बुरी है इसलिए भी शहर की सेहत हमारे। किसी को इश्क जैसी कोई बीमारी नहीं है। और ये शेर खाली साहब खासतौर से आप कहा था, बेसबब देखोगे अपनों के जनाजे, कहा था बेसबब देखोगे, कहा था बेसबब देखोगे अपनों के जनाजे। जिए जाने की जिद करना समझदारी नहीं है। कहा था बेसबब देखोगे अपनों के जनाजे, जिए जाने की जिद करना समझदारी नहीं है। यहां हम चल दिए हैं हाल कहने जान देने, यहां हम चल दिए हैं हाल कहने जान देने, वहां पर मुस्कुराने की भी तैयारी नहीं है। यहां हम चल दिए हैं हाल कहने जान देने, वहां पर मुस्कुराने की भी तैयारी नहीं है। अचानक मौत ने आकर उन्हें चौंका दिया है, अचानक मौत ने आकर उन्हें, अचानक मौत ने आकर उन्हें चौंका दिया है। जो समझे थे हमारी दूर तक बारी नहीं है। अचानक मौत ने आकर उन्हें चौंका दिया है। जो समझे थे हमारी दूर तक बारी नहीं है। अब एक गजल समझ रहा है, मतला इसका कि किसी भी शर्त पे मंजूर उसकी कुर्बत थी, किसी भी शर्त पे मंजूर उसकी कुर्बत थी, किसी भी शर्त पे मंजूर उसकी कुर्बत थी। जो दोस्ती है अभी वो कभी मोहब्बत थी। किसी भी शर्त पे मंजूर उसकी कुर्बत थी। जो दोस्ती है, जो दोस्ती है अभी कल वही मोहब्बत थी। वो बात सोच के मैं जिसको मुद्दतों जीता, वो बात सोच के मैं जिसको मुद्दतों जीता, बिछड़ते वक्त बताने की क्या जरूरत थी। वो बात सोच के मैं जिसको मुद्दतों जीता, बिछड़ते वक्त बताने की क्या जरूरत थी।
हजार बार इशारों में उसको समझाया, हजार बार इशारों में उसको समझाया, हजार बार इशारों में उसको समझाया, मगर उसे तो मेरे झूठ से मोहब्बत थी। हजार बार इशारों में उसको समझाया, मगर उसे तो मेरे झूठ से मोहब्बत थी। भटक रहे हैं जहां आज अजनबी की तरह, भटक रहे हैं जहां, भटक रहे हैं जहां आज अजनबी की तरह, इसी गली में कहीं पर हमारी जन्नत थी। भटक रहे हैं जहां आज अजनबी की तरह, इसी गली में कहीं पर हमारी जन्नत थी। मना लिया है उसे फिर उसी की शर्तों पर, मना लिया है उसे फिर उसी की शर्तों पर, तमाम उम्र किसे रूठने की फुर्सत थी। मना लिया है उसे फिर उसी की शर्तों पर, तमाम उम्र किसे रूठने की फुर्सत थी। कमाल ये है कि जब भी किसी से बिछड़े हम, कमाल ये है कि जब भी किसी से बिछड़े हम, यही लगा कि यही आखिरी मोहब्बत थी। कमाल ये है कि जब भी किसी से बिछड़े हम, यही लगा कि यही आखिरी मोहब्बत थी। किसी भी शर्त पे मंजूर उसकी कुर्बत थी, जो दोस्ती है अभी कल वही मोहब्बत थी। एक और गजल का मतलब देख लें कि एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, पहले यार बनाया फिर समझाया हमने। एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, पहले यार बनाया फिर समझाया हमने, खुद भी आखिरकार उन्हीं वादों से बहले, खुद भी आखिरकार उन्हीं वादों से बहले, जिनसे सारी दुनिया को बहलाया हमने। खुद भी आखिरकार उन्हीं वादों से बहले, जिनसे सारी दुनिया को बहलाया हमने। भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना, भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना, अपने अलावा किसको घर पहुंचाया हमने। भीड़ ने यूं ही रहबर मान लिया है वरना, अपने अलावा किसको घर पहुंचाया हमने। मौत ने सारी रात हमारी नफ्स टटोली, मौत ने सारी रात हमारी नफ्स टटोली, ऐसा मरने का माहौल बनाया हमने। मौत ने सारी रात हमारी नफ्स टटोली, ऐसा मरने का माहौल बनाया हमने। घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे, घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे, तन्हाई को जगह जगह बिखराया हमने। घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे, तन्हाई को जगह जगह बिखराया हमने। जब शारिक पहचान गए मंजिल की हकीकत, जब शारिक पहचान गए मंजिल की हकीकत, फिर रस्ते को रस्ते भर उलझाया हमने। जब शारिक पहचान गए मंजिल की हकीकत, फिर रस्ते को रस्ते भर उलझाया हमने। एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने, पहले यार बनाया फिर समझाया हमने। आज बहुत जमाने बाद किसी मुशायरों में इतनी ढेर सारी नज़में सुनी हैं, तो एक नज़्म छोटी सी सुनाने का हिम्मत कर रहा हूँ। बहरहाल नज़्म का उन्वान है बात फांसी के दिन की नहीं। इसमें एक लफ्ज़ का इस्तेमाल है मज़ाक़ खेज, उसका मतलब होता है रेडिकुलस, जिसे देख के हंसी आए। तो नज़्म समाप्त फरमाए, ऑक्सीजन की ट्यूब और फांसी के फंदे में वैसे भी क्या फ़र्क है, ऑक्सीजन की ट्यूब और फांसी के फंदे में वैसे भी क्या फर्क है, बात फांसी या फांसी के दिन की नहीं।
मौत की भी नहीं, बात तो लाश के मजाका खेज लगने की है, फिक्र हुलिए की है, जाने कैसी लगे एक फुट लंबी पतली सी गर्दन मेरे इतने भारी बदन पर, और जुबान वो जो सुनते हैं इतनी मिलकर आएगी मुंह के बाहर, काली माई की सूरत, कहीं वो डरा तो नहीं देगी बच्चों को मेरे, और वो सब नेक इंसान जो गुस्ल देंगे मेरे जिस्म को, सो भी पाएंगे क्या चैन से, या मेरा भूत उनको डराता रहेगा महीनों तलक। मैं नहीं चाहता कोई मुझसे डरे, कोई मुझ पर हंसे, जिंदगी एक लतीफे की सूरत कटी कुछ शिकायत नहीं, हां मगर लाश की शक्ल में मजाका खेज लगने से डरता हूं मैं। बात इतनी सी है, बात फांसी या फांसी के दिन की नहीं। बहुत शुक्रिया।